इमरान न्याजी इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है नया पाकिस्तान बनाते पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया अठारह फीसद इन्फ्लेशन रेट है बनी गाला में बैठता है और कहता है की महंगाई नहीं है कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त खत्ते के अंदर अपनी खारजा पॉलिसी को फैलाने का वक्त है ना कि सुरने का जब वो कर्ज लेंगे अगले मालीस साल के दौरान तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या होगा तुर्की वाली सूरत हाल होगी अच्छा तुर्की की महिशत तो मजबूत है जैसे मलेशिया में बहरान आया था पंद्रह बीस साल पहले मगर आई एम एफ के बगैर उन्होंने संभाल लिया था यहाँ तो आप देखिए ना यहाँ मेरी समझ से बाहर है डिप्लोमेसी का नंबर वन उसूल यह है कि कोई अपॉर्चुनिटी जाया नहीं की जाती एक साइड का नया पाकिस्तान बनाते न होते पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया अट्ठारह फीसद इन्फ्लेशन रेट है बनी गाला में बैठता है और कहता है की महंगाई नहीं है जाओ जरा गली कूचो में घूमो जाके तुम्हें पता लगे कितने घरों में लोग भूखे सोते हैं और इस शख्स को शर्म नहीं आती अपना काम करता नहीं है और तख्तियां तीन, तीन चीजें हैं एक तो ये है कि डॉलर दूसरा स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो रहा है जी। तीसरा महंगाई है और बल्कि चौथा भी बेरोजगारी है तो ये दावों की क्या बात है मैं आपसे हमेशा अर्ज करता हूँ कि इनके दावों को छोड़े देखें कि जमीन पे हकायक क्या है वाकत क्या रूनमा हो रहे हैं वाक ये है कि डॉलर जो है मसलसल हर रोज बढ़ रहा है और स्टॉक एक्सचेंज मसलसल गिर रही है जी। अब मैं आपको जो हिसाब किताब मैंने आज लगाया वो आपको बताता हूँ। जी। यानी कुछ एक्सपर्ट्स की मदद से और टॉप एक्सपर्ट्स की मदद साढ़े इकतीस या बत्तीस बिलियन डॉलर अगले साल दरकार होंगे कर्जे वापस करने हैं यानी जो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी उसके बावजूद और जो आपको बाहर से तरसीलात जर होंगी ओवरसीज पा, पाकिस्तानी पैसे भेजेंगे उसके बावजूद आपको चाहिए होंगे साढ़े इकतीस या बत्तीस बिलियन डॉलर या कम अज़ कम इकतीस बिलियन डॉलर बहुत फसलें अच्छी हो जाए कोई और चीज़ अच्छी हो जाए पेट्रोल की कीमत और गिर जाए तो थोड़े से कम कर लें वो कहाँ से लाएंगे वो लेंगे कर्ज जब वो कर्ज लेंगे अगले माली साल के दौरान तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या होगा तुर्की वाली सूरत हाल होगी अच्छा तुर्की की मैशत तो मज़बूत है जैसे मलाइिया में बहरान आया था पंद्रह बीस साल पहले मगर आई एम एफ़ के बग़ैर उन्होंने संभाल लिया था यहाँ तो आप देखिए ना यहाँ बैठा हुआ कौन है मामला चलाने के लिए यहाँ उस्मान बुजार साहब बैठे हुए हैं यहाँ ने आज़ी पाए जाते हैं यहाँ एजाज़ चौधरी किस्म की मखलूक पाई जाती है यहाँ वो आमर कैनी साहब पाए जाते हैं दवाओं की कीमतें चार गुना बढ़ गई उनको इनाम के तौर पर और माफिया वहां बैठा हुआ है जहाँ कीमतों का तयन होता है जी और वो उसकी बजाय वो उसको वजारत से हटा के तो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया वो उसी तरह पार्टी वाले रो रहे हैं कि ये रोज चंदा मांगता वो चंदा थोड़ी होता है चंदा थोड़ी होता है कहा तो चंदा तो भत्ता होता है तो इन लोगों के होते हुए अगर आपका ये ख्याल है मैं आ... आपने इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से बात किया कि रोज आते हैं दो नहीं तो कम से कम एक तकरीर करते हैं वर्चुअल समिट के अंदर भी तो उन्हें इनवाइट किया गया था अमेरिका की तरफ से जो डेमोक्रेसी समिट था खान साहब ने शिरकत नहीं की क्या समझते हैं कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त खत्ते के अंदर अपनी खारजा पॉलिसी को फैलाने का वक्त है ना कि सुकेरने का फैसला कितना नुकसानदेह है या कितना अच्छा फैसला उन्होंने किया क्या समझते हैं आप सादा सी बात यह डिप्लोमेसी का नंबर वन उसकी कोई अपॉर्चुनिटी ज़ाय नहीं की जाती ठीक ये बहुत सादा सी बात है कि अगर एहतजाज करना चाहते थे एक लिखी हुई तकरीर दे के किसी को भेजते और रसूल का तरीका यह है कि हर दफा जिम्मेदारी नए आदमी को सौंपी जाए और एक शानदार तकरीर होती जिसमें ये कहते मिसाल के तौर पे कि पोल्यूशन तो आपने फैलाई है अमेरिका ने फैलाई है सनती मुल्कों ने फैलाई है सजा हम भुगत रहे हैं जंगे आप लड़ते हैं सजा हम भुगत रहे हैं अफ़गानिस्तान में डेढ़ सौ बिलियन डॉलर का हमें नुकसान हुआ अंदाजन इससे कुछ कम हो सकता है और प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड हो जाता और आपकी हाज़री भी लग जाती और आपकी बात भी पहुँच जाती और उस पर गुफगु भी होती तो लेकिन बहरहाल खान साहब जो हैं वो उनकी अना बहुत बड़ी है तो 22 करोड़ जब हमारा शुरू से मौक़ ये है कि हम किसी कैम्प में नहीं हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि कल चीनी ज़ाहिर है कोई ना कोई कानून करेंगे इस पर यह तो कॉमन सेंस की बात है आसियान है किसी और प्लेटफॉर्म से करेंगे और उसमें भी सौ पचास अफ्रीका में उनके असरात हैं तुर्की है पाकिस्तान है सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं रूस है और बहुत से मुल्क हैं जो उसमें शामिल हो जाएंगे तो आप उनसे कहते कि आप भी एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं हम उसमें भी आ जाएंगे इसमें पार्टिसिपेशन का लेवल कम कर देते मेरी समझ से बाहर है लेकिन ये कौम ऐसी है मैं आपको बताऊं ये जबरदस्त खराज तहसीन खान साहब को पेश करेगी और बड़े बड़े मुबसरीन के खान साहब आपने कमाल कर दिया जी लेकिन पता उस वक्त चलेगा जब फैटम का इजलास होगा पता उस वक्त चलेगा जब अगली किस्त लेनी होगी आई एम फिर आपको पता चलेगा ठीक है चलिए अच्छा अगर आप माहरीन से पूछे वो इससे बहुत बेहतर तजावीज दे सकते हैं लेकिन आपने देखा खान साहब ने क्या किया पहले तो असद उमर साहब को ले आए जी फिर ये ये कैसा फैसला था भाई वो, वो उनका कोई तजुर्बा नहीं है इसका वो कारपोरेट बिजनेस के आदमी अच्छे आदमी है फिर उनसे मायूस हुआ है फिर अभिषेख को ले आए फिर अभिषेख से मायूस हुए फिर आपने अशोक तरीन साहब को ले आए जब आप रोज कभी वो कहते हैं चीनी मॉडल कभी कहते हैं मॉडल कभी कहते हैं अमरीका की तरफ मायल हो जाते हैं कभी चीन की तरफ मायल हो जाते हैं तो कोई यकसो ही नहीं है सूझबूझ भी कम है माशरे की कैमिस्ट्री को भी माशरे के मिजाज को भी नहीं समझते अपनी तारीख और कौम को भी नहीं समझते और अबाव आलिए कि कोई जरूरतमंद नहीं है इसकी खुद मुख्तारी का बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं कि स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी के हवाले से जो बिल लाया जा रहा है ये मेरी जाति राय यह है जितना मैं समझता हूँ ये नहीं हो सकता ये अगर खुद मुख्तारी का फैसला हुआ भी तो ये फैसला पड़ेगा अगर स्टेट बैंक आई एम एफ के कंट्रोल में चला गया तो पूरी मैशत उनके कंट्रोल में चली जाएगी और इसका नतीजा बहुत तबाहकुन होगा मैशत की जब हम बात कर रहे थे तो एशियाई तरक्याती बिस्तान के लिए तीस करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है क्या आपको नहीं लगता की इससे कुछ बेहतरी के इम्कान मौजूद है कर्ज लेने से क्या बेहतरी आएगी कि ये ही की राय है मेरी राय नहीं है जब तो मैं अमेरिका आया था तो उस वक्त डॉलर चौदह रुपए का था तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात ठीक थे थी। मैं आपको एक मजाक वाली एक और बात बताता हूं कि आज एक बड़े खास एंकर बड़ा बड़ा मशहूर एंकर आपके टीवी पे उन्होंने कहा देखें जी इतना बड़ा दिलेराना फैसला किया है एक सॉरन कंट्री की मिसाल हमने पेश कर दी और खुदादन आज आई एम एफ पैरें आई एम एफ क्या है अमेरिका के अमेरिका की प्रोडक्ट है सारी एक साइड पे आप पर तरले कर रहे हो दूसरी साइड पे कहते हो कि नहीं डेफिनेटली नॉट ये ये अच्छा ड्रामा में समझ लू अब वो बात ये है इस वक्त पाकिस्तान है मैंने पहले भी आपको बताया था चीमा साहब हमारी पॉलिसी फॉरन पॉलिसी डॉलर बेस्ड पॉलिसी डॉलर चाइना से आ जाए तो हम उनके साथ हैं डॉलर आई एम एफ के आ जाए तो उनके साथ हैं और ना आए तो फिर भी मेरा मकसद है तो आप क्योंकि मैंने अब बताया आपकी रूलिंग लीड के सारे ताने बाने यहां मिलते हैं बच्चे उनके बाहर यहां बैठे हैं या तो बच्चों को भी चाइना ले जो ना उनको भी बीजिंग में पढ़ाओ जाके अपने करप्शन के पैसे भी बीजिंग अकाउंटों में बैंक ऑफ शिकाई में रखो जाके बोलो हम अपने बच्चों के लिए और आपकी प्रॉपर्टीज के लिए आपके फॉरन अकाउंट सारे यहां पड़े हो तो कौन को आपने चाइना की बत्ती के पीछे लगाया हमालिया से ऊपर कर देते हो तो दोस्ती आम आदमी के लिए लेकिन ये आज का जो फैसला है ये आप सोचेंगे मैं पहले सियालकोट में परेशान था और ये दूसरा धमाका